हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं लो बैक पेन के बारे में। 30 से 40 साल की एज में हर किसी को कभी ना कभी लो बैक पेन होता ही है। लो बैक पेन मतलब कमर का निचला हिस्से में दर्द होना, और ये बहुत कॉमन है। इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। अच्छा, अगर हम पूरी स्पाइन की बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट के एरिया होते हैं स्पाइन में, वो नेक और लो बैक ही होता है। और साथ में अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो सबसे ज्यादा नर्व सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन दोनों एरिया से ही होती है। अगर हम सिम्टम की बात करते हैं, कई बार ये पेन हल्का हल्का होके शुरू होता है, कुछ दिनों रहता है, फिर ठीक हो जाता है। कई बार उठने और बैठने में दर्द रहता है, कई बार पर्सन सीधा स्ट्रेट नहीं हो पाता, और कई बार एकदम से झुक के बैठ नहीं पाता। ये सारे ही सिम्टम होते हैं लो बैक पेन के। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर आप घर पे बैक पेन का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको बैक पेन हो गया है, तो आपको घर पे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप इसको घर पे ही मैनेज कर सकते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहला होता है कि अगर आपको सीवियर पेन हो गया है किसी भी वजह से, चाहे आपने कोई वेट उठाया या आप झुके और एक बार से ट्रिगर हो गया है। कई बार ऐसा होता है अचानक से पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाना चाहिए, क्योंकि बैक पेन बहुत बार खाली बेड रेस्ट से बॉडी सेल्फ हील करती है और ठीक हो जाता है। कंडीशन तब ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब थोड़ा पेन पहले ही चल रहा होता है और फिर भी आप मूवमेंट करते रहते हैं, काम कर लेते हैं। कई बार स्लिप डिस्क भी तभी होता है जब पहले से ही थोड़ा बहुत पेन चल रहा होता है और लोग थोड़ा सा वेट उठाते हैं। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि सर थोड़ा बैक पेन चल रहा था, बट हमने घर पे सफाई चल रही थी, वाइट वॉश हो रहा था, बेड खिसकाया, ये खिसकाया, और तब से हमारे को पेन हो गया। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। और MRI से बाद में कंफर्म होता है कि स्लिप डिस्क हो गया है। तो अगर आपको बैक पेन पहले से ही है तो आपको कभी भी वेट नहीं उठाना चाहिए, और पेन अगर थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़े दिन के लिए 3 to 5 days कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाना चाहिए। बेड रेस्ट से काफ़ी हद तक अपने आप ठीक हो जाता है। बैक पेन में हीट फर्मेंटेशन बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है, क्योंकि जब आप हीट देते हैं तो सराउंडिंग की जो ब्लड वेसल होती है वो डायलेटेड हो जाती है, और मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलने से, न्यूट्रिशन मिलने से, क्योंकि जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है तो न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, तो वो रिकवरी कर लेती है। जो उसमें माइक्रो इंजरी होती है वो हीलअप हो जाती है और बैक पेन ठीक हो जाता है। तो आपको हीट फर्मेंटेशन, अगर आपका बैक पेन चल रहा है तो रोज लेना चाहिए। बट हाँ, जब आप हीट लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप हीट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम नहीं लें। कई बार लोग हॉट पैक लगा कर या बॉटल लगा के आराम से सो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है, पेशेंट्स आते हैं कि वो मतलब रात भर लगा के रखे और उनकी स्किन ही बर्न हो गई। तो आपको अगर हॉट पैक लेना है तो आपको 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, 17 मिनट से ज़्यादा हॉट पैक नहीं लेना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर आपका बैक पेन चल रहा है तो आपको लंबर सपोर्ट बैंड बांधनी चाहिए, ये आपकी बैक की मसल्स को सपोर्ट देती हैं। कई बार पुराना पेन दोबारा से किसी भी रीज़न से ट्रिगर हो जाता है। मान लीजिए किसी को 4-5 साल पहले स्लिप डिस्क हुआ था और तब उसको पेन बहुत ज़्यादा चला था, या शाटिका हुआ था बट वो ठीक हो गया, कई सालों से ठीक थे बट अभी कुछ किया और वो पेन वापस से ट्रिगर हो गया। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको बैक की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आपको लंबर बैंड सपोर्ट बांधनी चाहिए और मैक्सिमम टाइम बांध के रखनी चाहिए जब आपको पेन ज़्यादा चल रहा हो। जैसे जैसे आपका पेन ठीक होता है वैसे वैसे आप उस बेल्ट की सपोर्ट की ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, बट ये आपको बांधनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी बैक में पेन हो रहा होता है तो उसका एक मेन कॉज बैक की मसल वीक होने से भी होता है, और जब आप उसको सपोर्ट दे देते हैं तो वो और ज़्यादा वीक नहीं होती। अगर आप मतलब पेन चल रहा है और फिर भी आप उसको सपोर्ट नहीं देते तो वो और ज़्यादा वीक होने लगती है और अंदर इंजरी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आप जब बैक सपोर्ट बांध के रखते हैं तो आपकी कुछ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब आप आगे बहुत ज़्यादा ईजीली नहीं झुक सकते, और ये भी आपको एक थोड़ा मतलब हेल्प करता है बचाने में, कि आपको थोड़ा अवेयरनेस देता है। कई बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता पेन हो रहा होता है, वो फिर भी आगे फॉरवर्ड बेंडिंग करते रहते हैं, और जिसकी वजह से पेन की कंडीशन और वर्स्ट हो जाती है, ट्रिगर हो जाता है। तो ऐसे में आपको बैक की सपोर्ट बेल्ट बांधनी चाहिए अगर आपको पेन चल रहा है तो। अगर आपका बैक पेन थोड़ा थोड़ा है और आपको लगता है कि जैसे थकान से आपका पेन होता है, तो आप इसमें लोकल ऑयल, पेन का कोई भी ऑयल लगा के हल्की मसाज रोज़ रात को करके और थोड़ी हीट लेंगे तो भी आपको इससे बहुत रिलीफ आएगा।
ऑयल में जब आप पेन का कोई ऑयल लगाते हैं, तो अगर वो आयुर्वेदिक होता है तो उसमें नर्व की मसल्स को, नर्व और मसल्स की स्ट्रेंथ पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ऐसी मेडिसिन डाली जाती है जो नर्व की स्ट्रेंथ और मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ाए। तो आपको ये अप्लाई करना चाहिए। बट बहुत सारे लोग खाली एलोपैथिक स्प्रे और जेल यूज़ करते हैं, वो पेन सेंसेशन को ब्लॉक करता है, तो उससे टेम्परेरी तो आपको रिलीफ मिलता है बट परमानेंटली वो पेन नहीं जाता, बॉडी खुद हील करती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ट्यूब लगाई और हमने 2-4 दिन ये टैबलेट्स खाई और हमको ठीक हो गया, बट असल में टैबलेट और ट्यूब कुछ भी नहीं करती, ये खाली सुपरफिशियल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उस पेन सेंसेशन को ब्लॉक कर देती है, बट बॉडी खुद हील अपने पेन को खुद ही करती है। किन किन लोगों को बैक पेन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं? हालांकि इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बट जो कॉमन चीज़ें देखी जाती हैं वो सबसे पहले देखा जाता है कि अगर पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेज लोग जो होते हैं, जब मोटे लोग होते हैं उनको बैक पेन होना कॉमन रहता है। बात तो सही है। और दूसरा, जिनकी हड्डियाँ पहले से ही कमज़ोर हों या जो न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेते हैं, तो उनको भी ये बैक पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा, अगर कोई ऐसा है कि जिनकी फैमिली बैकग्राउंड में अर्थराइटिस है, तो ऐसे लोगों को भी बैक पेन, या उनको पहले ही किसी और जॉइंट में अर्थराइटिस है तो बैक पेन होना भी उनके लिए कॉमन रहता है। और अगर आपको ऐसा है कि आपको विटामिन डी या B12 की भी कमी है, तो ये भी कई बार कॉज करती है बैक पेन में। तो आपको इन सारे अंडरलाइन कॉज को हटाना चाहिए अगर आपका बैक पेन चल रहा है। बहुत बार खाली इन छोटी छोटे बातों को ध्यान देके भी आप अपने बैक पेन को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपको कभी भी बैक पेन हो जाता है, तो आपको थोड़ी थोड़ी बैक की एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग ज़रूर रखनी चाहिए। कई बार पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, बट वो कम्प्लीटली बैक को फिर भूल जाते हैं और वो पेन वापस से रिपीटेड आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हमें सर्दी आएंगी और बैक पेन शुरू हो जाएगा, 2 महीने रहेगा फिर ठीक हो जाएगा, और फिर ऐसा ही रिपीटेड कई साल से ऐसा फिर चल रहा है। तो ऐसे में आपको बस ये ध्यान रखना होगा, जब आपका पेन ठीक भी हो जाता है तो आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ चीज़ें बैक के लिए करनी चाहिए, स्पेशली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जिससे आपकी बैक की मसल की स्ट्रेंथ बनी रहेगी और वो हमेशा के लिए पेन फ्री रहेगी। फीमेल में बैक पेन होना बहुत कॉमन रहता है और उसमें सबसे बड़ा कॉज रहता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या कैल्शियम डेफिशिएंसी या मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी। मेन है न्यूट्रिशन का, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बैक पेन बहुत हद तक मैनेज हो जाता है। कई बार खाली न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी पूरा करने से ही पेन हमेशा के लिए चला जाता है, क्योंकि बैक की जो मसल्स होती हैं और जॉइंट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और अगर न्यूट्रिशन कम रहता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेन में, और जैसे डलनेस में और थकान में। कई बार ये पेन जब मूवमेंट करते हैं तब पता चलता है। तो अगर आपकी बॉडी में ऐसा है कि आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, कई बार हम टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी, B12 और बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी मिलती है, जो कई बार खाली बैक पेन का कॉज करता है। तो ऐसे में आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं भी जाना चाहते, आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो आप जर्नल में कैल्शियम का इंटेक थोड़ा सा ले लीजिए और विटामिन डी और B12 का न्यूट्रिशन का थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, बट ये मेडिकल पर्पज़ से नहीं है, अगर आपको कुछ इमरजेंसी है, पेन ज़्यादा है, तो आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ये चीज़ें लेनी चाहिए। बट आजकल इंडिया में सबको, ज़्यादातर लोगों को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहती है, तो आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। बैक पेन का कॉज बहुत बार न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ही होता है। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हा!